जय माता दी। अभी हम जैसे देखते हुए आ रहे हैं पीछे से, ये माता रानी शोभा माता जी का मंदिर दरबार के लिए रास्ता था, तो अभी हम ये शोभा माता जी की पावन गुफा के अंदर माता जी के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो हमारे पुजारी जी हैं, जिनके वंश प्राचीन काल से इस माता रानी की सेवा करते हुए आ रहे हैं, अभी आज हम उनसे बात करेंगे। वो माता रानी की अमर कथा बताएंगे कि माता रानी यहाँ कैसे आई और कब से प्रकट हुई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे माता रानी अनेक रूपों में विराजमान है और इनकी महिमा जब से ये कर रहे हैं, ये अभी उनके माता रानी के बारे में बताएंगे। तो अभी हम पुजारी जी से बात करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। हम शोभा माता की गुफा में बोल रहे हैं और मेरा नाम देशराज है। और जहाँ बड़ी प्राचीन गुफा और माता की अंदर गुफा के अंदर पांच पिंडियाँ हैं। पहली जे शोभा माता है, इनकी दो आँखें बनी हुई हैं, कुदरती माता की मूर्ति बनी हुई है। आगे वैष्णो माता है, आगे महाकाली है, आगे महालक्ष्मी है, महासरस्वती है। ये माता की इधर पांच पिंडियां हैं, ये प्राचीन हैं। जैसे वैष्णो माता की गुफा में पिंडियां हैं और जहां भी ऐसे ही विराजमान हैं, और बहुत श्रद्धालु इधर आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं माता से। और ये बड़ी प्राचीन गुफा है और पहले कुछ भी नहीं आते थे, लोगों को पता ही नहीं था। अभी भी लोगों को कोई पता नहीं है इतना। ये बड़ी प्राचीन गुफा है और लोग जहाँ आते रहते हैं नवरात्रों में, माता के दरबार इधर मेला होता है। जय माता। जय माता। हाँ जी, ये बहुत प्राचीन गुफा है और इस गुफा का अंदर शिव जी की पिंडियाँ हैं। शिव जी की पिंडियों के ऊपर अपने आप ही जल तारा बहती रहती है और सदियों पुरानी गुफा है। ये किसी ने बनाया नहीं है कुछ भी, ये कुदरती है, प्राचीन है। और ये गुफा आगे भी जाती है। पंडित जी, कितनी पुरानी गुफा है ये कोई आप बता सकते हैं? ये हमारे बुजुर्गों से बहुत प्राचीन है। हमारे बुजुर्ग थे, वो सुनाते थे कि जहाँ पहले पैदल रास्ता था और लोग इधर आते थे, इधर से होकर दर्शन करके फिर वैष्णो माता जाते थे। ये पैदल का रास्ता था, उस टाइम पर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई रोड नहीं था। और ये गुफा आगे जाती है। गुफा में बोलते हैं कोई साधु गए थे, वो वापस से नहीं आए और फिर बाद में इसको आगे से पत्थर लगा के बंद कर दिया। ये गुफा आगे भी जाती है। हाँ, बहुत मानता है इस जगह। आप क्या कहना चाहते हैं भक्तजनों को, जम्मू कश्मीर की जो संख्या है, जो लोग हैं, भक्तजन हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, आप संदेश देना चाहते हैं? आप सभी लोगों को यही प्रार्थना है कि शोभा माता एक बहुत प्राचीन गुफा है, जम्मू से 20 किलोमीटर के दूरी पर है, अम्बगरोटा में जी। और लोग आए, इसके माता के दर्शन पाएं और मांगी मुरादें पाएं। जय माता। बोल सांचे दरबार की जय।